हेलो बच्चों वेलकम टू सर चैनल जहां पे हम आपके लिए ले लेके आते हैं हर दिन एक नया सवाल तो आज का सवाल है फिर से परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के ऊपर जी हाँ चलिए आइए पढ़ते हैं सवाल क्या है और देखते हैं इसका सॉल्यूशन लेट एन बी द नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग फिफ्टी टू आइडेंटिकल बॉल्स इन टू फोर डिफरेंट सच दैट नो बॉक्स इज एमटी एंड द द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ बॉल्स इन एनी ऑफ द टू बॉक्सिस इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ सिक्स डिजिट्स ऑफ एन एज डैश दोस्तों यहां पर सवाल को पढ़िए ध्यान से इसमें कहा गया है कि देर आर फिफ्टी टू आइडेंटिकल बॉल्स और उन्हें कहाँ डालना है उन्हें डालना है फोर डिफरेंट बॉक्सिस में जी हाँ ताकि कोई भी बॉक्स खाली ना रहे कोई भी बॉक्स एमटी ना रहे एंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ बॉल्स इन एनी ऑफ द टू बॉक्सेस इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ सिक्स तो जो बॉल की संख्या है किसी भी दो बॉक्सेस में उनका जो डिफरेंस है वो सिक्स का मल्टीपल नहीं होना चाहिए तो आइए दोस्तों इस सवाल को जानते हैं हल कैसे करना है सो so, दोस्तों यहां पे मान लीजिए कि ये है हमारे चार बॉक्सेस ठीक है एंड आइए इनको नेम भी कर देते हैं ताकि ये बॉक्स बेसिकली अलग अलग बॉक्स कहलाएं बॉक्स नंबर ए बॉक्स नंबर बी बॉक्स नंबर सी और बॉक्स नंबर डी ओके एंड लेट एंड लेट एक्स वाई जी एंड डब्ल्यू बी द नंबर ऑफ बॉल्स दैट गो इन साइड दीज बॉक्सेस ठीक है तो इतने नंबर ऑफ बॉल्स जा रहे हैं इन सारे बॉक्सेस में तो एक्स बॉल्स आर गोइंग इन ए वाई बॉल्स आर गोइंग इन बी जेड बॉल्स आर गोइंग इन सी एंड डब्ल्यू बॉल्स आर गोइंग इन द बॉक्स नंबर डी तो दोस्तों हमें सबसे पहले इस बात का ख्याल रखना है कि जो हमारा एक्स वाई जेड और डब्ल्यू है इनका जो सम है ये होना चाहिए कितना ये होना चाहिए फिफ्टी टू एज पर क्वेश्चन जी हाँ और साथ ही साथ ऑल दीज वैल्यूज ऑल दीज वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू मस्ट बी ग्रेटर दैन इक्वल टू वन क्योंकि कोई भी बॉक्स हमारा एम्प्टी नहीं होना चाहिए बट गौर करने वाली जो कंडीशन है जो यहां पे हमें ध्यान में रखना पड़ेगा इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ बॉल्स इन एनी ऑफ द टू दिस शुड नॉट बी अ मल्टीपल ऑफ सिक्स दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है जिसको फिल करने में हो सकता है लोगों को कठिनाई का कर सामना करना पड़े तो दोस्तों कोई भी नंबर अगर होता है कोई भी नंबर आप लिखना चाहो जैसे आप लिखना चाहो x या वाई और जेड या डब्ल्यू कोई भी नंबर को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं ऑफ द नेचर सिक्स के या सिक्स के प्लस वन या सिक्स के प्लस टू या सिक्स के प्लस थ्री या सिक्स के प्लस फोर या सिक्स के प्लस फाइव सो एनी इंटीजर एनी इंटीजर दोस्तों कोई भी इंटीजर एक्स वाई जेड डब्ल्यू हो या नेचुरल नंबर हो हम उसको या तो 6k के के फॉर्म में लिख सकते हैं या 6k plus 1 के प्लस वन के फॉर्म में लिख सकते हैं या 6k plus 2 के प्लस टू के फॉर्म में लिख सकते हैं या 6k plus 3 के प्लस थ्री के फॉर्म में लिख सकते हैं या 6k के प्लस फोर या 6k plus 5 के प्लस फाइव के फॉर्म में लिख सकते हैं वेयर k इज अ इंटीजर वेयर k इज अ इंटीजर ठीक है तो यहाँ पे अब हमें देखना है कि हमें जो xyz और w का चुनाव करना है वो इस प्रकार से होने चाहिए कि ये दोनों कंडीशन मीट हो और साथ ही साथ उनका जो डिफरेंस है कोई भी आप डिफरेंस ले लीजिए एक्स माइनस वाई दिस शुड नॉट बी इक्वल टू अ मल्टीपल ऑफ सिक्स दिस शुड नॉट बी अ मल्टीपल ऑफ सिक्स ठीक है तो x माइनस वाई कह लीजिए x माइनस जेड कह लीजिए x माइनस डब्ल्यू कह लीजिए y माइनस जेड कह लीजिए y माइनस डब्ल्यू कह लीजिए z माइनस डब्ल्यू कह लीजिए ये सारे के सारे दे शुड नॉट बी दे शुड नॉट बी अ मल्टीपल ऑफ सेक्स दोस्तों दे शुड नॉट बी अ मल्टीपल ऑफ सेक्स तो इससे हमें क्या शिक्षा मिल रही है यहाँ पे इससे शिक्षा ये मिल रही है कि जब भी आप x, y, z और w को उठाएं तो ये सारे के सारे डिफरेंट टाइप से उठने चाहिए दैट मीन्स You cannot pick two quantities of the type 6K, क्योंकि अगर दो आप नंबर आप उठा लेते हो जो कि सिक्स के टाइप के हैं तो उनका डिफरेंस मल्टीपल ऑफ सिक्स हो ही जाएगा यू के नॉट पिक मोर देन वन क्वांटिटी ऑफ द नेचर सिक्स के प्लस वन यू केिक मोर देन वन क्वांटिटी ऑफ द नेचर सिक्स के प्लस टू यू के नॉट पिक टू क्वांटिटीज ऑफ द नेचर सिक्स प्लस थ्री और सिक्स प्लस फोर और सिक्स प्लस फाइव दैट मीन आपके एक्स वाई जेड और डब्ल्यू ये अलग अलग टाइप के होने चाहिए कोई भी दो सेम टाइप का नहीं हो सकता है सेम टाइप मतलब सिक्स के टाइप या प्लस वन टाइप या प्लस टू टाइप तो कोई भी दो एक टाइप से नहीं हो सकते हैं क्योंकि अगर एक टाइप से हुए दोस्तों तो उनका जो डिफरेंस होगा वो मल्टीपल ऑफ सिक्स हो ही जाएगा तो तो इस बात का ख्याल रखने के लिए हमें उठाने पड़ेंगे चार ऐसे नंबर एक्स वाई जेड और डब्ल्यू इन छह कैटेगरी से ताकि सारे के सारे के टाइप अलग 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 हों सेम टाइप से दो नहीं उठा सकते ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ और इतना ही नहीं दोस्तों हमें इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर कोई भी चार टाइप हम इस छः टाइप से उठा रहे हैं तो उनका जो सम है वो 52 टू आए तो दोस्तों यहां पे सबसे पहला थॉट आएगा आपके दिमाग में कि भैया अगर चार उठाने हैं छ से तो सिक्स लगेंगे क्या फोर बेसिकली आपका टेन के बराबर होगा तो क्या टेन केसेस लेने पड़ेंगे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नहीं दोस्तों यहां पे ध्यान देने वाली यह बात है कि आप कोई भी चार नहीं उठा सकते इससे क्योंकि तो मान लीजिए पहला नंबर आपने उठाया है सिक्स के टाइप का दूसरा नंबर मान लीजिए आपने उठाया है सिक्स के प्लस वन टाइप का तीसरा नंबर आपने उठाया है सिक्स के प्लस टू टाइप का और जो चौथा नंबर उठाया है आपने सिक्स के प्लस थ्री टाइप का तो दोस्तों अगर हम इसको सम करें जैसे मान लीजिए मैं के तो यूज़ नहीं करूँगा सब में मैं एक को के वन कहता हूँ मान लीजिए दूसरे को के टू तीसरे को के थ्री चौथे को के फोर तो इनका जो सम है दोस्तों सिक्स के वन सिक्स के टू प्लस वन सिक्स के थ्री प्लस टू सिक्स के फोर प्लस थ्री जहां पर के वन के टू के थ्री के फोर कोई इंटीजर हो सकते हैं ये आना चाहिए सम फिफ्टी टू के बराबर राइट नाउ व्हेन यू सिंप्लीफाई दिस तो अगर आप सारे सिक्स के फैक्टर्स को अलग कर लें और सारे नंबर्स को अलग कर लें तो वन प्लस टू प्लस थ्री आ जाएगा सिक्स इक्वल टू फिफ्टी टू तो यहां हमें दिखेगा कि एक एनॉमिली बन के आएगी That means you are trying to say that six times an integer is equal to forty six, forty six जो कि possible नहीं है जो कि possible नहीं है तो इसका ये मतलब है कि जो आप सोच रहे थे कि हमें six C four cases लगेंगे to choose four types out of those six types ऐसा नहीं है बिल्कुल भी हमें ऐसे चार उठाने होंगे जिनका sum करने से आपको जो numbers यहाँ पे मिल रहे हैं उनको अगर आप 52 से सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको एक मल्टीपल ऑफ सिक्स आना चाहिए जी हाँ आपको एक मल्टीपल ऑफ सिक्स मिलना चाहिए तो ये केस तो आपका बिल्कुल ही नहीं चलेगा तो आइए जानते हैं कौन से केसेस चलेंगे बहरहाल इसको इरेज कर देते हैं तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि 52 से हम ऐसा क्या घटा सकते हैं ताकि हमें जो नंबर मिले वो एक मल्टीपल ऑफ सिक्स हो तो फिफ्टी टू से फोर घटा सकते हैं ताकि हमें 48 एट मिले विच इज अ मल्टीपल ऑफ विच इज अ मल्टीपल ऑफ सिक्स करेक्ट बट क्या हम ऐसे चार यहां से उठा सकते हैं जिसके कॉन्स्टेंट्स ऐड होके फोर मिले मेरे ख्याल से दोस्तों आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि तो जो मिनिमम आप चार उठा सकते हो वो है ये चार जिसमें कांस्टेंट्स आपका वन प्लस टू प्लस थ्री सिक्स हो जाएगा तो दोस्तों ये सिचुएशन तो कभी भी फुलफिल नहीं होगी तो आइए इसको क्रॉस कर देते हैं दूसरा सिचुएशन ये हो सकता है कि आप फिफ्टी टू से टेंथ सब्ट्रैक्ट करें ताकि आपको फोर्टी टू मिल जाए जो कि है मल्टीपल ऑफ सिक्स जो है हमारा मल्टीपल ऑफ सिक्स तो आइए देखते हैं कौन कौन से ऐसे केसेस हैं तो जो पहला केस है यहां पे, केस नंबर वन पहला केस है अगर हम अपने एक्स वन को चूज करें वन या किसी भी एक नंबर को चूज करें सिक्स के वन दूसरे को चूज करें सिक्स के टू प्लस वन तीसरे को चूज करें सिक्स के थ्री प्लस फोर और चौथे को यूज करें सिक्स के फोर प्लस फाइव तो ये दोस्तों यहां पे हमें दिखेगा कि इट विल गिव अस सिक्स टाइम्स के वन प्लस के टू प्लस के थ्री प्लस के फोर इक्वल टू फिफ्टी टू माइनस यहां पे देख पा रहे हो मैंने ऐसा चुनाव किया है कि जो कॉन्स्टेंट्स टर्म है यहां पे जिसको मैं टिक मार्क से शो कर रहा हूं उनका सम टेन आएगा तो 10 अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे राइट साइड पे तो आपको 42 मिलेगा विच इज क्लियरली अ मल्टीपल ऑफ सिक्स ठीक है तो अब क्या इसके बाद हम कौन सा स्टेप करने वाले हैं इसके बाद बेसिकली हमें चाहिए एक ऐसा इक्वेशन का सोल्यूशन हमें चाहिए k1 वन प्लस इक्वल टू सेवन का सॉल्यूशन जहां पे दोस्तों ध्यान में रहे k1 वन ग्रेटर दैन इक्वल टू वन होगा क्योंकि अगर k1 वन जीरो हुआ तो एक ग्रुप तो ब्लैंक होगा ही होगा जो हम नहीं चाहते हो बिकॉज ऑल द ग्रुप्स मस्ट बी नॉन एम और जो बाकी के तीन हैं K2, K3 और K4, फोर दे शुड ऑल बी ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो यहां पे जो सॉल्यूशन हम लोग यूज करेंगे वो है एक रेडीमेड सॉल्यूशन जो कि हम लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स इनटू डिफरेंट ग्रुप्स तो यहाँ दोस्तों इसको सॉल्व करने के लिए लेट्स से के वन इज इक्वल टू आइए इसको एक नया वेरिएबल का नाम दे देते हैं एल वन प्लस वन राइट right? ये क्यों कर रहे हैं क्योंकि अगर k1 वन ग्रेटर दैन इक्वल टू वन है तो हमारा l1 वन शुड बी ग्रेटर इक्वल टू जीरो अगर ऐसा कुछ केस बनता है तो हम लोग कह सकते हैं कि जो पूरा का पूरा है हमारा यहाँ पे वो बन के आएगा l1 वन प्लस वन के टू प्लस के थ्री प्लस के फोर इक्वल टू सेवन विच मींस एल वन प्लस के टू प्लस के थ्री प्लस के फोर इज इक्वल टू सिक्स अब ये एक ऐसा है जहां पे L1, K2, K3 or K4 greater than equal to zero. So this is basically similar to a situation of distribution of n identical objects into R groups where blank groups are allowed. तो यहाँ पे blank groups allowed होंगे. दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि सिर्फ K1 जीरो की वैल्यू नहीं ले सकता है के टू के थ्री के फोर जीरो की वैल्यू ले सकता है क्योंकि अगर उनको आप जीरो की वैल्यू प्रोवाइड भी करें तो उनका जो सम होगा सिक्स के टू प्लस वन वो वन आएगा के थ्री में सिक्स के थ्री प्लस फोर फोर आएगा सिक्स के फोर प्लस फाइव में वो फाइव आएगा तो के टू के थ्री के फोर आपका जीरो ले सकता है बट केवल के वन जीरो नहीं ले सकता है तो के वन अगर जीरो नहीं ले सकता है तो उसके लिए हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पे इंतजाम कर दिया है तो ऐसे इक्वेशन का सॉल्यूशन जो होता है वो होता है नंबर ऑफ वेज विल बी सिक्स प्लस फोर माइनस वन सी फोर माइनस वन हम लोगों ने ऑलरेडी देखा हुआ है इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स इनटू डिस्टिंक्ट ग्रुप्स तो दोस्तों अगर आप और भी वीडियो देखना चाहते हैं इस कंसेप्ट तो हमारा प्लेलिस्ट लिस्ट चेकआउट कर सकते हैं जिसमें हम लोगों ने परमुटेशन कॉम्बिनेशन को डिटेल में डिस्कस किया हुआ है सो दिस इज गोइंग टू बी नाइन सी थ्री बट ध्यान में ये रहे कि हमें हम बात कर रहे हैं ये चार डिविजन की यहां जो चार बॉक्सेस तो है ए बी सी 9c3 नहीं रह जाएगा इन टू फोर फैक्टोरियल भी हो जाएगा इंटू फोर फैक्टोरियल बट इसकी वैल्यू हम बाद में निकालेंगे बट अभी बहरहाल बढ़ते हैं केस नंबर टू पे तो केस नंबर टू है बेसिकली दोस्तों वो केस जहां पे हम दे रहे हैं मान लीजिए एक बॉक्स को सिक्स के प्लस वन दूसरे बॉक्स को सिक्स के टू प्लस टू तीसरे बॉक्स को सिक्स के थ्री प्लस थ्री और चौथे बॉक्स को सिक्स के फोर प्लस फोर और यहाँ पे भी हम लोगों ने कुछ ऐसा चुनाव किया है इन इन टाइप्स का ताकि इनके जो सम है वन टू थ्री और फोर ये टेन आए ताकि हमारा टेन राइट हैंड साइड पे कैंसिल हो जाए 52 के साथ और 42 बन के आए तो यहां दोस्तों हमें मिलेगा K1 K2 के टू प्लस के थ्री प्लस के फोर टाइम सिक्स इज इक्वल टू फोर्टी टू अगेन के टू प्लस के थ्री प्लस के फोर इज गोइंग टू बी सेवन बट अनलाइक द प्रीवियस सिचुएशन दोस्तों यहां पे आपका जो K1 K2 K3 K4 है these can be है to कैन बी इक्वल टू the restriction सो बेसिकली रिस्ट्रिक्शन इज वन के टू के थ्री के फोर शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो फॉर्मूले का इस्तेमाल से करें फोर माइनस वन सी फोर माइनस वन जी इंटू फोर फैक्टोरियल दिस विल कम आउट टू बी टेन सी थ्री इंटू फोर फैक्टोरियल तो यह हो गया हमारा केस नंबर टू चलिए बढ़ते हैं केस नंबर थ्री की ओर केस नंबर टू 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 डाल चलिए केस नंबर थ्री की ओर बढ़ते हैं केस नंबर थ्री हमारा वो डिस्ट्रीब्यूशन है जहां पे किसी एक बॉक्स में आप डालोगे सिक्स के वन टाइप नंबर दैट मींस यू विल गिव अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिक्स के वन बॉल्स इन दैट दूसरे किसी बॉक्स में आप डालोगे सिक्स के टू प्लस टू तीसरे में डालोगे सिक्स के थ्री प्लस थ्री चौथे में डालोगे सिक्स के फोर प्लस फाइव इक्वल टू फिफ्टी टू यहाँ भी इन केस को बहुत समझदारी के साथ चूज किया गया है ताकि टू प्लस थ्री प्लस फाइव टेन बन के आए तो दोस्तों यहां पर यहां पर आप देखोगे तो K1 वन प्लस के टू प्लस के थ्री एक बार फिर से K1 वन प्लस के टू प्लस के थ्री प्लस के फोर एक बार फिर से फोर्टी टू बन के आएगा और यहां ध्यान रहे K1 फिर से ग्रेटर दैन इक्वल टू तो वन होना चाहिए बट K2 K3 K4 दे कैन बी ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो दोस्तों बिना समय बर्बाद किए हुए इसकी जो नंबर ऑफ वेज होंगी टू डू इट विल बी सेम एज वॉट वी डिड इन केस नंबर वन केस नंबर वन में आप देख पा रहे होंगे गए एनसी थ्री इंटू फोर फैक्टोरियल आ रहा था तो वही यहां पर भी एप्लीकेबल होगा तो एनसी थ्री इंटू फोर फैक्टोरियल अब दोस्तों मुझे कोई भी केस नंबर फोर बनता हुआ नहीं दिख रहा है तो यही तीन केसेस होंगे जहां पे हमारा जहां पे हमारा 52 टू माइनस टेन इक्वल टू फोर्टी बन के आएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्या 52 टू माइनस फिफ्टी टू माइनस सिक्सटीन कर सकते हैं हम लोग क्या जी नहीं ये तो बिल्कुल संभव नहीं है क्योंकि अगर आप टॉप फोर के नंबर्स को भी ऐड कर दें फोर फाइव थ्री एंड टू करेक्ट सो टू थ्री फोर फाइव को भी ऐड कर दें तो आप सिक्सटीन की संख्या नहीं लेके आ सकते आपको महज मिलने वाला है फोर्टीन ही तो ये लास्ट पॉसिबिलिटी तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है तो सिर्फ यही एक पॉसिबिलिटी बनती है और जिसके तीन केसेस हम लोगों ने ऑलरेडी यहां देख लिया है केस वन केस टू केस थ्री एंड केस फोर आइए निकालते हैं दोस्तों अब टोटल नंबर ऑफ वेज तो टोटल नंबर ऑफ वेज वुड बी नाइन सी थ्री इंटू फोर फैक्टोरियल इंटू टू प्लस टेन सी थ्री इंटू फोर फैक्टोरियल दोस्तों एटी फोर एटी फोर इंटू टू इज वन सिक्सटी एट और टेन सी थ्री होता है वन ट्वेंटी इंटू ट्वेंटी फोर तो देखते हैं इसकी संख्या क्या निकल के आती है 288 एटी एट इंटू ट्वेंटी फोर टू दोस्तों मिलेगा आपको 6912 थाउजेंड जी हाँ तो जो हमारा n है n है हमारा वो हो जाएगा 6912 थाउजेंड बट क्या क्वेश्चन में n पूछा गया है आइए देखते हैं जी नहीं क्वेश्चन में पूछा गया है सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ n तो चलिए निकालते हैं ये एक न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन है तो सम होगा आपका सम ऑफ डिजिट्स विल बी नथिंग बट सिक्स प्लस नाइन प्लस वन प्लस टू जो कि आएगा एटीन सो so दोस्तों यहां पे हमारा जो आंसर है वो है एटीन बट हम इस आंसर को सही नहीं मानेंगे जब तक इसको कोड करके वेरीफाई नहीं कर लेते हैं तो आइए चलते हैं ऑनलाइन पाइथन डॉट कॉम पर जहां पर मैं इसको कोड करके दिखाऊंगा तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं अपने ऑनलाइन पाइथन डॉट कॉम पे जहां पे हम अपने सोल्यूशन को वेरीफाई करेंगे थ्रू कोडिंग सिंपल सा कोड लिखना है दोस्तों टू काउंट द टोटल नंबर ऑफ केसेस दैट विल कम अंडर दिस तो आइए लिखते हैं सबसे पहले मैं एक वेरिएबल डिफाइन करता हूं काउंट जिसकी वैल्यू मैं इनिशियली जीरो रखता हूं उसके बाद हमें लगेगा दोस्तों चार फॉर लूप फॉर आवर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉल्स टू दीज फोर बॉक्सेस तो मान लीजिए एक्स इज द नंबर ऑफ बॉल्स विच इज गोइंग इन बॉक्स नंबर वन Y is the number of balls which is going in box number two. Z is the number of balls going in box number three. And W is the number of balls going in box number four. So, तो दोस्तों यहाँ पे चार for loop लगेंगे तो आइए लिखते हैं for x in range one to fifty three to fifty three क्यों normally ये जाता है fifty minus one तक और क्योंकि हमारे boxes empty नहीं होंगे इसलिए हमारा जो for loop है वो start होगा one से उसी तरह से दोस्तों इसी expression को हमें copy करना है बाकियों के लिए भी तो आइए मैं इसको पहले copy paste कर लेता हूँ और यहां पे नाम बदल लेते हैं क्योंकि हमें अपने नेम्स को अलग रखना है यहां पे एक एक्स है दूसरा वाई तीसरा जेड और चौथा होगा दोस्तों यहां पे w चलिए अब ये जो आखिरी वाला फॉलोअप है यहां पे एक इफ कंडीशन लगाते हैं कि इफ इफ द सम ऑफ द बॉल्स द सम ऑफ द बॉल्स गोइंग टू दीज फोर बॉक्सेस इज इक्वल इक्वल टू फिफ्टी टू एंड एंड ऑफ द बॉल्स इन एनी टू दोस्तों यहाँ पे हमें लगेंगे 4C2, differences हमें लिखना पड़ेगा. So, difference of X and y, जिसे मैंने X -Y से दिखाया है इसका मॉड्यूल हो सिक्स शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो ठीक है और यही जो कंडीशन है मुझे कॉपी पेस्ट करनी है बाकियों के लिए भी तो मैं जल्दी से अपना एक्सप्रेशन कॉपी कर लेता हूं और इसको...

अगर यह फॉलोअप ट्रू होगा तो हमें करना क्या है हमें करना है काउंट को काउंट प्लस जी काउंट को एक से बढ़ा देना है ठीक है अब यहां पे फाइनली हमें जाके प्रिंट काउंट करना है प्रिंट काउंट ताकि हमें टोटल नंबर ऑफ सच केसेस पता चल जाए तो दोस्तों कोड है रेडी तो आइए इसको एग्जीक्यूट करते हैं रन द कोड प्लीज तो दोस्तों हमारे पास आंसर आ चुका है आंसर इज़ और हम इसका सम करें तो आएगा एटीन तो आंसर जी हाँ हमारा मैच कर रहा है हमारे सॉल्यूशन के साथ तो दोस्तों आशा करते हैं आपको कोड की मदद से भी समझ में आ गया होगा कि हमारा आंसर बिल्कुल ही सही है थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग स्टे सेफ स्टे हेल्दी